हेलो गाइस, वेलकम बैक यार। जब मैं बोलता हूँ तो तुम नहीं बोला करो। बोलो बता, मैं तुम्हें तंग करूँ? मजाक। अच्छा, वी आर बैक विद न्यू वीडियो, और न्यू वीडियो हमारे लेजेंड चैन के साथ की है भाई साहब का बिगेस्ट, भाई साहब इनके बिगेस्ट फैन। यार चैन के बहुत बाकी कमाल और का बंदा है। हमने बोला आज आज ही सारे रिएक्शन बना दे, तभी और एक शर्ट भी बना रहे हैं। और ये हमारे एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि वैसे बेटा पे करें, वैसा बेटा तो नाम याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी वीडियो पे किया हुआ था, तो हम लेट हो गए आज तक। चैन के कोई नया सॉन्ग आ नहीं रहा, इसलिए हमने बोला चलो इसी हाँ, वीडियो नया देखते। सॉन्ग इसके आते भी नहीं, चल आने वाले बहुत जल्द आने वाले हैं। हयाते नो के नाम से शायद आ रहा है, लिखा था इन्होंने एक पिक के ऊपर अपना, तो मैंने सोचा यही गाने का नाम भी शायद हो। तुमने तो तुम्हें मैंने बताया, मैंने देखा था यार। तुमने तो मुझे पिक भेजी इसकी, तो फिर मैंने बोला कि क्या बोला इसके ये एल्बम में से नया सॉन्ग का नाम भी हो, हो सकता है मे बी। और तो सुनते हैं गाना क्या है इसमें, वीडियो सॉन्ग में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें एडिटिंग भी चैन के की, कलर ग्राइडिंग सब चैन किए गए, सब नहीं है, ओरिजिनल है ना सब चैन। नहीं है। ऑन कैमरा इसका भाई है नयाब सिद्दीकी, ओके और हमें पता नहीं क्या लिखा है। चलो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। यार चनके की बीट वीडियोग्राफी बहुत अच्छी है, ये ये कौन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप बड़े फैन है, आपको बताना चाहिए ना इसका। जाहिर सी बात है, दो लेडीज हैं तो उसकी अम्मी ही होंगी, तो फिर तो ये क्या सीन है? यही तो चाइनीज लग रही थी मुझे, तो ये भी तो चाइनीज है, ये इसकी गिलगित, मुझे तो गिलगित बल्तिस्तान के लग रहे थे भाई। चाइनीज है चाइना में, ये अच्छा चाहिए वीडियो शूट चाइना में हुई है। अच्छा तो ये है जो इनके अबू ने दो शादियां की थी, एक चाइनीज मदर थी और एक क्या नाम है पाकिस्तान पाकिस्तान, लाहौर शायद, इतना मुझे पता है बस। सही बस स्टार्ट ये करते जो हैं। चाइनीज था ये उनका बेटा है। सही 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 लहजे में बदतमीजी, चेहरे पे मेरे तेजी, वाह हर बात पे क्यों आए हंसी, बड़ों से बदले हाजी, ना ना करूं बस अपनी मर्जी, माँ बाप चाहे एक नेक बेटा, काश मैं होता वैसा बेटा। हर जो माँ बाप टीनेजर चाहते। नहीं चुप कर नहीं अच्छा माँ बाप तक पहुंच जाता है, अच्छा हर टीनेजर मतलब ये हो मतलब इससे गुजरता है कि मतलब वो जो करना चाहता है उसके घर वाले नहीं करने देते, माँ बाप मना करते, जो माँ बाप जैसा बेटा चाहते हैं वैसा बेटा नहीं होता, और वैसा बेटा जैसा बन के नहीं दिखाता। हाँ और जैसा बेटा होता है वैसे माँ बाप नहीं है, माँ बाप नहीं इसको समझते सही हैं। बात है, यह हर फैमिली हर हर इंसान इस स्टेज से गुजरता सही बात है, है ना। तुम बेशक गुजरे हो, गुजरे हैं, आप भी गुजरे हैं, आप तो गुजर रहे मैं हैं। गुजर रहा हूँ ना, सही है, बस स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लगी डीप है नहीं लीजिए लाइन गाना। लगी है मुझे। बीट बहुत सूटिंग है यार। जब देखूं मेरी माँ बाप से बहस, गुनाह पे गुनाह सर मेरा तहस नहस, खुदा दे सजा बेवजह लड़के लेटा, खुदा दे रजा बना दे वैसा मुझे बेटा, जगा जो रखे याद माँ बाप खुदा के बाद, चाहे दिन हो या रात माँ बाप कज दे साथ हाथ, हर घड़ी जो पकड़े काम उम्मीद का ना नखरे, बना दे वैसा बेटा जो घड़ी घड़ी ना झगड़े, जो हर घड़ी बस सोचे कैसे माँ का दिल जीतेगा, कैसे बचपन की तरह तोहफे माँ को ला के देगा, कैसे हुलिया भी उनकी मर्जी का रखेगा, बना दे वैसा बेटा जिसके दिल में बाप का डर था, मर जा तू मेरा खून नहीं, घर जा तेरा घर नहीं जानवर। हर माँ चाहती है कि जैसे मैं उसको कपड़े पहनाऊं कि वो बच्चा वैसा पहने, तुमने खाली उस लाइन में पकड़ा, उससे पहले जो उसने बोला वो नहीं सुनी, वो जो दिलों में लगी, माँ तो जाहिर सी बात है यार, वो माँ बाप बोलती है माँ कि बाप से मेरी बहस, सर मेरा टहस न, मतलब उस टाइम तो आप गुस्से में बहस कर देते हो, पर सही बात, बाद में आपको फिर मतलब पछतावा होता है, हाँ लगता है, पर आप आपकी फिर हिम्मत नहीं होती कि आप जाके उनसे माफी माफी मांगो, मांगो। सही क्योंकि बात है, शर्म शर्म होती है। सेम मतलब मेरे साथ, मतलब हर मेरे साथ के हर हर बंदा रिलेट कर सकता है, हर हर बंदे की अपने पेरेंट्स से लड़ाई होती है, मुंह मारी होती है, पर फिर वो बाद में फिर उसको उस तरीके से सॉरी नहीं कर पाता सॉरी नहीं कर पाता, मसला सारा ये।
बहुत अब तक तो बहुत तगड़ी लिरिक्स आ रही है। ताश की तरह रही मेरी ये जिंदगी, माँ मेरी तो हाँ सौतेली और सगी, सौतेली जैसे सगी कभी भी सगी जैसे सौतेली, अजीब सी रही जिंदगी इसमें भी मेरी क्या गलती, अमीरी और गरीबी देखी मैंने बड़े दिलवान से, मुश्किलें थी सर पे मेरे माँ बाप परेशान थे, मेरी माँ मजबूरी पर में चुप घर के वास्ते, मेरा बाप मजबूरी पन में चला गलत रास्ते, लेकिन हाथ से बाप के एक एक निभाले खास थे, पैसों में लापरवाही लेकिन पाला में प्यार से, माँ की आंखों में आंसू मेरे बाप को ना बर्दाश्त थे, तभी चला वो ऐसी जगह जहाँ पड़ी उनको बुरी आदतें, उन बुरी आदतों की वजह से पैदा अंदर ये जानवर, जो सोच लिया वो करूँ मैं अंदर किसी का न डर, माँ बाप के घर में होगा बुरा हाल खबर में होगा बुरा नाम खबर में, फिर मैं सोचूं मर मर के काश तुझे याद नहीं कैसे हफ्तों में 20 रुपए के लिए तरसता, माँ क्या तुझे याद नहीं कैसे फटे कपड़ों को मैं फैशन बनाता, आज 30,000 हफ्ते का खर्चा, आज यही फटी जीन्स देखो मेरा चर्चा, कामयाबी कब की मैंने कर ली है हासिल, पढ़े लिखो से ज्यादा कमाता ये जाहिल, पर नादिर को क्यों कुछ पढ़े लिखे लगे जाहिल, इस माहिर को क्यों दुनिया नकली लगे बाहिर, क्यों नौकरी को सारे समझते हैं कामयाबी, गौर से ये सुनो माँ नौकरी नौकर, क्या तू चाहती है कि मैं बनूं किसी का नौकर, क्या तू चाहती है कि मैं रहूं अंदर से मरकर, अरे सोचे जरा गौर से मुश्किलों ने बदला मेरा भेजा, जैसा बाप वैसा बेटा वैसी सोच वैसा लहजा, काश मैं होता वैसा बेटा जो जिंदा लाश की तरह चलता फिरता, जो अपने माँ बाप की डांट से ना चिढ़ता, जो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ता, काश मैं होता वैसा बेटा जो जिंदा लाश की तरह चलता फिरता, जो अपने माँ बाप की डांट से ना चिढ़ता, जो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ता। कमाल था यार चैनकी ने, बहुत स्ट्रगल किया आखिर में उसने अपनी दिखाई, स्ट्रगल सब करते हैं, करनी पड़ती है कोई भी फील्ड आप स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आप डिप्रेस हो गए यार? मैं क्यों डिप्रेस हो गया? लाइंस कमाल की, बहुत हार्ड था शुरू से लेकर आखिर तक, हर हर आम इंसान रिलेट कर सकता था, ऐसी बात थी, और कुछ स्टूडेंट ने अपनी फैमिली के भी इश्यूज वगैरह बताए कि बाप मेरा चला गलत रास्ते, बाप के हाथ से अर्धन वाला खास था, मतलब हर बंदा कर सकता है कि आप मतलब कोई गरीब बंदा हो या कोई भी हो अपने बच्चों को वो खुश रखता है। 20 रुपये पहले मांगता था वही मिलते थे, 20,000 में, 20,000 मेरे हफ्ते का खर्चा है, और फटी आज मेरी यही फटी चीज पहले मैं इसको छुपा रहा था और ये अब मेरा फैशन है। ये होती है स्ट्रगल कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, बहुत मुश्किल आती हैं हर किसी की, इंसान की फील्ड में। तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि यार नहीं नहीं हार नहीं माननी चाहिए, बस सीधी सी बात है, थोड़ा काम करो और चीज़ें तब तक के लिए बोलो काम, मतलब जिस काम में आप लगे हो मतलब लगे रहो, पब्लिक को छोड़ दो, के उसने हमें बोला था ना कि दुनिया जाए बाहर में, बाहर में दुनिया का काम यही पग 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 पग
तो बहुत अच्छा सॉन्ग था जिसने हमें सजेस्ट किया। अगर आपको कोई और ऐसा कोई इसका सॉन्ग पता है तो आप हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए ताकि हम उस पर रिएक्शन करें। मुझे इतना बेसिकली ये पसंद नहीं है जो मैंने इसके नए सॉन्ग सुने हैं, जो इसकी बीफ हुई थी सुनर से मैंने वो सुने हैं, उनमें मुझे कोई मज़ा नहीं आया। बाकी ये सॉन्ग बहुत अच्छा था तो आप रेकमेंड करना अगर आपके कुछ है नज़र में ऐसा कोई और सॉन्ग मिलता जुलता। और 10K के फैंस जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो लाजमी वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हिप हॉप असल में देसी हिप हॉप कम्युनिटी जो हर किसी का अपना वो लेवल है, ना यंगस्टर ना जो सब अपनी जगह बराबर है, अपनी अपनी उसमें फील्ड में बहुत 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 ऊपर है। बस ना वो मांग लिया मैंने बोल दिया कि 10K के और सब जितने भी फैंस हैं कि भाई हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छे लग रहे हैं। अगर वैसे ही टाइम पास के लिए देख लेते हैं हमारी बदसूरत शक्लें तो हमारी शक्लें इसलिए खास नहीं है अब्दुल्ला, आप समझ सकते हैं हमारे साथ कुछ है नहीं। अरे बस चुप रहो, लंबी हो जाएगी। अच्छा चलें बस सही है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, बता देना नेक्स्ट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय, टेक केयर, शेयर नहीं भी करो मसला नहीं है, लाइक कमेंट जरूर।